क्या ही ज़बरदस्त टैंक बनाया है हमने। इसके लिए आखिर तक वीडियो देखें ताकि आप लोगों को सारे प्रोसीजर का पता चल सके। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पिक्चर्स और वीडियो के ज़रिए बताने वाले हैं कि पानी की टैंकी फुटबॉल की शेप में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो हमारी छत है ये प्लेन नहीं था इस टैंक के लिए, इसलिए हमने इसके लिए बीम डाले इसके बेस बनाने के लिए ताकि लोड ट्रांसफर हो सके फाउंडेशन को। और बीम में हमने जो बारे रखे हैं वो आपको सामने नज़र आ रहा है, साथ साथ हमने डावल भी इसमें निकालने हैं वो भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से ये हमने बीम डाल दिए, वॉल टू वॉल और कॉलम टू कॉलम बीम डाल दिए, दो बीम डाल रखे हैं। इसमें से हम फिर डावल भी इसी बीम में से उठाएंगे ताकि फुटबॉल वो जो टैंक है फुटबॉल जैसी उसकी बेस बना सके। कॉलम तक हम लिखा है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वॉल टू वॉल भी आप ले सकते हैं। ये हमने पोरिंग कर दी, हाफ पोरिंग कर दी, उसके बाद हमने डावल रखी है इसमें। डावल के बाद जो है यहाँ सेंटर में हम डावल रखेंगे, मतलब लोकेशन में हम डावल रखेंगे। और ये हमारा टैंक का हमने पाइप रख दिया ताकि इसमें से ड्रेन हो सके, नीचे नज़र आ रहा है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि हमने ये पोर कर लिए, बीम और डावल भी आपको नज़र आ रहे हैं कि हमने डावल भी इसमें खड़े कर दिए जो कि टैंक का बेस है। ये यहाँ पे डावल थे वहाँ पे हमने पेड़ भी बना लिया टैंक का। ये टैंक का जो है नीचे जिसका पेंट कह सकते हैं बॉटम पार्ट साफ फुटबॉल और टाइप टैंक ये शटरिंग कर रहे हैं हम, शटरिंग आपको नज़र आ रही है, यानी कि इनको का हम एक अच्छी सी रद्दे लगा रहे हैं ताकि उसमें हम अपने शटरिंग को फिर रेस्ट कर सकें अंदर वाली साइड से, ताकि जब हम फुटबॉल बनाएँ और फुटबॉल से टैंक बनाएँ तो उसमें शटरिंग हमें और साथ साथ हम इन ये 4 इंच की वाल है तो उसमें हम साथ साथ कॉलम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रिक्स कॉलम भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको नज़र आ रहा है। फोर कही ना तो देखा, बहुत ही मुश्किल काम है ये और इसको बहुत आराम से करना पड़ता है, बहुत एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि ये टैंक जो है ये जो हमने कोशिश की है डेट से इसका हमने एक दिन का टाइम दिया था ताकि ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो सके। ये अंदर वाला पार्ट्स आप देख रहे हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, ये वही डावल हैं। और एक सेंटर में हमने ना जिससे हम फिर गोल घुमाएंगे, ये उसी शटरिंग के हमने शटर रख लिए। अब इंटरनल पार्ट्स बन रहे टैंक का, ये जो नीचे कच्ची ईंट के रद्दे आपको नज़र आ रहे हैं डावल, ये पार्ट्स इंटरनल जो ईंट है ये पार्ट्स है उस टैंक का। ये हमने इसमें मिट्टी के जरिए लिपाई भी कर ली ताकि फुल शेप बना सकें फुटबॉल के पेंदे का भटन का, हमने उसमें मिट्टी की लिपाई कर अमूमन आमतौर पर लोग बीमे में डिजाइन देते हैं यही करते हैं, प्रोसीजर अप्लाई करते हैं ये आप देख रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर से हम वो करते हैं, मसाला मारते हैं ताकि स्टील रबर के साथ मिट्टी वगैरह लगे ना और एक शेप बन जाए। ये इसी के ऊपर, इसी मट के ऊपर हमने ना इसको प्लास्टर करना है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे अब रेनफोर्समेंट भी नज़र आ रही है। रेनफोर्समेंट हमने उसी डावल के साथ और लेप कर ली, उसी कनेक्ट कर लिए और मिट तक हम लेके आए और नीचे हमने उस मिट्टी के ऊपर नीचे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने मसाला डाला हुआ है मुकम्मल, इसको कवर प्रोवाइड करके अब इसको मुकम्मल रेनफोर्समेंट करके इसको हम कंक्रीट करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ये हमने पोरिंग कर ली इसकी, इसी की पोरिंग कर ली, इंतहाई एहतियात से करनी पड़ती है ये। थिकनेस ऑलमोस्ट हमने इसकी 4.5 इंच रखी है, ये तो अभी कम नज़र आ रही है, इसके ऊपर थोड़े और अभी आनी है। ये हमने अब बाहर से उसकी शटरिंग खोली, हाफ जो हमने बना लिया उसकी बाहर से शटरिंग
उतार दी, ये बाहर से नज़र आ रहा है, ये अब ऊपर टॉप हिस्से की शटरिंग जो हाफ तक हुआ था, हाफ से ऊपर की जो शटरिंग हम लगा रहे हैं, ये फ्रेंड्स हमारा टैंक बन गया। और इंतहाई मेहनत तलब काम था, इंतहाई देर पा काम था, ये स्टेप बाई स्टेप हो रहा था, जैसे कि ये बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरह का कोई टैंक बनाना है तो हमारे साथ जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वाया ईमेल एड्रेस मैं दे रहा हूँ, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम हर तरह की आपको फैसिलिटेज कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।